Hello, people. Welcome to the session. I'm Rashida Sujthi. We're here with Anthika Mishri, master teacher. And I hope sab badhiya chal raha hoga, mast chal raha hoga. So, people, Kamran and its compound ka mind map. अब हम लोग ने की पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है इन उमंग ऑफ कार्बनानिट्स कंपाउंड। तो अब बॉस बारी आती है माइंड मैप की। माइंड मैप में मैं आप लोगों को एक पूरे चैप्टर का पिक्चर दे दूंगी, लाइक अ समराइजेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर, जो कि आप लोग अपने पास रख सकते हैं। यू कैन रीप्ले दिस एंड वॉच इट बिफोर योर एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं होता है। तो हम यहाँ पर माइंड मैप को इतने स्मार्टली क्रिएट करेंगे दैट वी कुड रिवाइज द एंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर का क्लोजर भी दे दे और कॉन्फिडेंस भी फील हो जाए एट द एंड कि हाँ जी, हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। So, without any delay, let's get ourselves started and learn how to make mind maps. And ऐसे ही mind maps आप दूसरे subjects और दूसरे chapters के लिए भी create कर सकते हैं. That saves a lot of time of yours. And last में जो जितना आपके पास time बचता है, you can spend that time with some hard topics जो कि जिसमें आप struggle करते हैं. तो अगर आपको लगता है कि मैं IUPAC में स्ट्रगल करती हूँ या करता हूँ, तो देन यू कैन स्पेंड दैट टाइम इन IUPAC नॉमिनेशन। रेस्ट को आप फटाफट से माइंड मैप से खत्म कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो क्रिएट चीट शीट्स like that. So guys, starting up with mind maps of carbon and its compound, you can copy this down or you can save this video. Better you save this video and watch it quickly. ठीक है, 2x स्पीड पे भगाओ यार, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है हाथ में। So, आगे बढ़ने से पहले लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन द स्केड्यूल ऑफ द वीक। सो हम लोगों ने स्टार्ट करा था ये वीक विद ये मिस्टेक्स बोर्ड में करना इज नो नो, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एंड आई थिंक हर एक बच्चे को ये देखना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से इतनी छोटी छोटी बातों का पता चलेगा जो शायद आपको किसी बुक में नहीं दिया गया है। सो प्लीज हैव अ लुक, आपको बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगा, नॉट ओनली फॉर ग्रेड 10 बट फॉर ग्रेड 12 ऑल्सो। एनसीईआरटी मैराथन हम लोग ने करा है और कार्बनेट्स कंपाउंड पार्ट 1, जिसमें हमने IUPAC नॉमिनेटर आइसोमर्स होमोलोगस सीरीज वर्स्ट टाइम नेचर ऑफ कार्बन हमने फिनिश करा है। सेकंड पार्ट विल बी कमिंग सून, जहां पे आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनेट कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। देन वीक वाइज ऑल्सो, जहाँ पे हमने खूब मजे करे, खूब सीखा एंड नए नए क्वेश्चन करे थे। सो अगर आपने ये मिस करा है तो प्लीज पेन पेपर लेके बैठो एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एट वंस। Not only that, top 10 SEQs, short answer questions of chemical reactions and equations, basic revision of chemical formula. यहाँ भी मैंने हर एक चैप्टर की केमिकल फॉर्मूलाज, एक साथ सारे चैप्टर्स की केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात करी है। सो आई थिंक ये सेशन आपके लिए जरूरी रहेगा, सो दैट आपको एंड इनफैक्ट चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये सारे फॉर्मूलाज हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये फॉर्मूलाज हैं, एंड सिंपल रिविजन क्या फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं, सो दैट जब आप बैलेंसिंग करें तो आप फॉर्मूला तो गलत ना करें। बैलेंसिंग में आप अपनी पूरी मेहनत गंवा देंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला गलत होगा तो एट द एंड आपका आंसर गलत ही आता है, विच इज अ सैड थिंग। लिटरली लास्ट में रोना आ जाएगा कि फॉर्मूला गलत करने से पूरा बैलेंसिंग गलत हो गया है। That's a regretful thing. Now today we are unwinding the mind map of carbon and its compound, guys. So let's get us started. Make yourself proud. खुद से फीलिंग आए कि हाँ बॉस कुछ तो किया है। चलिए, so this is mind map of carbon and its compound, जहाँ पे आप लोग एकदम शॉर्ट में अपने लिए कि आपको बस समझ में आ जाए, हिंट्स लिख लो चैप्टर में आपने क्या करा है, उस टॉपिक के नीचे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। सो जस्ट पुट इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। जैसे कार्बन एनिक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कैटेनेशन करता है, टेट्रावैलेंसी है, एज वेल एज इट इज ऑफ स्मॉल साइज, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-4। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं भी लिखना तो चलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इट्स ओके इफ यू डोंट राइट इट। कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, थ्री थिंग्स दैट मेक इट वर्सेटाइल। देन 2-4 है, वैलेंसी कितना है, वैलेंसी इज 4। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अलावा साइक्लिक ए साइक्लिक पढ़ते हैं। ए साइक्लिक बोले तो ओपन, जहाँ पे आपके पास स्ट्रेट चेन आते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स,
ठीक है, तो स्ट्रेट एंड ब्रांचेड वो भी कॉल इज ए साइक्लिक, ये शायद आपके लिए नया टर्म हो सकता है. साइक्लिक बोले तो क्लोज स्ट्रक्चर्स हो गए, जैसे कि बेंजीन हो गया, C6H6, देन यू हैव लर्न्ड अबाउट साइक्लोहेक्सेन, है ना. जस्ट अगर मैं बिना बॉन्ड के 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बना दूं जहां पे हर एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन है, राइट, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C6H6, क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्लोज स्ट्रक्चर है, रिंग है विद 6 कार्बन एटम एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकते हैं एंड सिंगल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं. देन टॉकिंग अबाउट होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, हिंट लिख लो अपने लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ये होमोलोगस सीरीज होते हैं. नाउ सैचुरेटेड की बात करें तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है और ए सीक्रेट की इज CnH2n+2, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. आप अपने हिंट के लिए ये भी लिख सकते हो कि मिनिमम n इज इक्वल्स टू 1 से हम लोग एल्केन का फैमिली स्टार्ट करते हैं, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन. ये हम लोग फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कहाँ से निकलते हैं, बाय द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला, दैट इज CnH2n+2. ऐसे आप एल्काइंस एंड एल्कीन्स के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स हो गया, एल्कीन CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला है, आपने इसका एक होमोलोगस सीरीज तैयार कर लिया. इस होमोलोगस सीरीज में आपने देख लिया कि बॉस एन का जो स्टार्टिंग मेंबर है ना, जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए एल्काइन्स एंड एल्कीन्स के लिए. तो सबसे छोटा एल्कीन एंड एल्काइन विल बी ऑफ 2 कार्बन एटम. ऐसी एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स होते हैं. अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज निकालने के लिए CnH2n की जरूरत पड़ी, n का वैल्यू मिनिमम 2 होता है, ये होमोलोगस सीरीज हो गई आपकी, ठीक है. नाउ आइसोमेरिज्म पे अगर आप जाओ, आइसोमेरिज्म इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए. यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आप लोगों को. अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, है ना, आइसोमर्स इन एल्केन्स, तो आप क्या लिख सकते हो, 2n-4+1, जहाँ पे n का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो आप इससे निकाल सकते हो टोटल कितने बनेंगे. जैसे ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, परंतु इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स. ब्यूटेन के लिए टोटल 2 आइसोमर्स बनते हैं, पेंटेन के लिए टोटल 3 बनते हैं, हेक्सेन के लिए 5 बनते हैं, ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स. समझ लो, बहुत सिंपल हो जाएगा. सो हाफ ऑफ द चैप्टर मैं रिवाइज कर चुकी हूँ, हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी रिवाइज. अब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप एडिशन पढ़ते हो, ऑक्सीडेशन पढ़ते हो, कंबशन पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो. ये 4 आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एनिक्स कंपाउंड की. अब एडिशन जो है वो स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड के लिए होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एडिशन होता है. एडिशन के अंदर आप हिंट डाल लो कि ठीक है मैंने हाइड्रोजनेशन भी यहीं पढ़ा था. हाइड्रोजनेशन बोले तो एड ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें हाइड्रोजन का ऐड करा इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड आई गेट CH3CH3. तो मुझे यहाँ से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, वो एडिशन है. ऑक्सीडेशन कंबशन, हर कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, परंतु हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं हो सकता. सो दिस इज वन एग्जांपल, जिस भी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट देगा. इससे अच्छी बात ही क्या है, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा. अब चाहे मैं इथेन को बर्न करूं, या ब्यूटेन को बर्न करूं, या प्रोपेन को बर्न करूं, मैं किसी भी चीज को बर्न करूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास प्रोडक्ट एक जैसे ही आएंगे, ऑलवेज सेम, ठीक है. फर्क कहाँ पड़ेगा, बैलेंसिंग में पड़ेगा. देन सब्स्टिट्यूशन, आप यहाँ पे मेंशन कर लो कि सब्स्टिट्यूशन के लिए सनलाइट जरूरी है ही है,
सब्स्टिट्यूशन हमेशा एल्केन्स में होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ही बनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए, एल्केन्स एंड एल्काइन्स के लिए होती है स्पेसिफिकली। क्लियर है बॉस? सो यू हैव गॉट अ ग्लिम्प्स कि बॉस यहाँ पे चल क्या रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में, व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली। Now coming up to IUPAC nomenclature, esterification से purification में बात पे चलते हैं, पहले IUPAC की बात करते हैं। IUPAC is like a union of chemistry, international union of pure and applied chemistry, जो कि decide करते हैं about everything going universally related to chemistry. केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी बाहर जाना है तो इनकी परमिशन लगेगी ही लगेगी, यहाँ पे हाथ जोड़ के जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। सो फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग IUPAC की बात कर रहे हैं। IUPAC लिखने के लिए आपने अपने लिए एक हिंट लिख लिया, प्रीफिक्स रूट वर्ड, सफिक्स वन, सफिक्स टू, कोई भी नाम लिखना है तो इसके लिए ये फॉलो करना ही करना है। प्रीफिक्स किससे डिसाइड होगा, या तो कोई एल्काइल ग्रुप है ना, तो उसका पोजीशन दे दोगे, पोजीशन के बाद एक डैश हाइफन लगाओगे अल्काइल ग्रुप, या फिर कोई हैलो ग्रुप है तो वो प्रीफिक्स में आएगा। रूट वर्ड डिसाइड होता है अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर एक कार्बन है तो मैं, दो है तो एक, तीन है तो प्रोपेन, चार है तो ब्यूटेन, सो ऑन। सफिक्स वन, प्राइमरी सफिक्स डिसाइड कौन करता है, बाय द टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड से आप प्राइमरी सफिक्स डिसाइड करते हो, एन होगा, ईन होगा, आइन होगा। Then suffix 2 decide करने के लिए आपके पास होता है functional group. Functional group अगर carb box लिखे तो oic acid आएगा, अगर alcohol है तो ol आएगा, अगर ketone है तो on आएगा, aldehyde है तो al आएगा, है ना? तो these are the ones who will decide कि suffix में आएगा क्या, right? Okay. Now coming up to saponification and esterification. Saponification बोले तो formation of soap. Saponification से पहले esterification reaction देखते हैं. Esterification is the first step for saponification reaction. Esterification means formation of ester. अब formation of ester, ester कौन सा खेत की चिड़िया है? बहुत ही खुशबू वाली है, means it will going to give you a fruity smell. तो ester का formation जब होता है तो literally बहुत प्यारी खुशबू आती है, test tube में भी आप smell कर सकते हैं, you'll get that fruity smell. तो क्या होता है जब carboxylic acid alcohol के साथ react करता है, in presence of concentrated H2SO4, तो ये water निकाल लेता है यहाँ से, ठीक है? It acts as a dehydrating agent, और जैसे ही पानी निकालेगा, that will going to give you ethyl ethanoate and water. अब जो ethyl ester आया है, हम आगे उसको saponification में use करते हैं, which is formation of soap. फॉर्मेशन ऑफ सोप के लिए आप लोग ने मिसेल फॉर्मेशन भी पढ़ा है, तो मिसेल फॉर्मेशन से आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू कैन create a hint for that also, कि soap के formation के अगर हमसे question पूछे तो हमें micelle formation की बात करनी है, ठीक है? Okay. So this is how we have completed the entire chapter, guys. हम लोग ने एक mind map पे अपने हिसाब से सब कुछ cover up कर लिया है, but it has to be altered according to you. ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही चीज आपके लिए मुश्किल हो, या you need to revise maybe something else. आपको अपने हिसाब से कुछ examples लिखने पड़ते हैं, आपको चाहिए कि यार ये मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, so I should mention it as a trick, or maybe आपने कोई उसका mnemonics बनाया है तो मैं उसको अपने लिए लिख लेता हूँ। तो यू शुड ऑल्टर दिस बाय योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। नाउ गाइस, एज वी आर डन विद आवर माइंड मैप, आई होप ये आपके काफी हेल्प आएगा, सो आप इसको सेव कर लो एंड डू वॉच इट अगेन जब भी आपको रिवाइज करना है। So guys, a big news. What is that big news? आपके favorite teachers हो सकता है आपके town में आए, तो अगर वो आपके town में है तो आप उनसे मिल सकते हैं, and to get the official invitation, आपको description box में एक link दिया गया है, आप उस link को भरिए and उस form को भरिए and you will going to get a proper invitation from Vedanto. As well as अगर आप चाहते हैं कि वो आपके शहर में आए तो please उसका information भी उस form में आप भर सकते हैं. Now, why are they doing this? Obviously, they want to come and talk to you as well as अपने problems उनके साथ share कर सकते हैं. That would be a very fun sessions that you could have with your favorite teachers, as well as fun के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ काफी काम की बातें भी होंगी. Now, when and where?
The dates I can provide you for Bangalore, 28th of October, Pune, 29th of October, New Delhi, they will be visiting on 4th and 5th of November. So guys, they are waiting to meet you guys eagerly. So do come and meet your favorite teachers. So, aisa mauka baar baar nahi milega, hai na? All right, guys, that was it from my side. If you like the session, if you like how we make mind maps, then do let me know in the chat box and subscribe, share, and comment. Thank you so much. Bye. Take care. Stay safe. Stay happy always. This is me, Rashida Sushi. This is signing off.